गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट था, चैप्टर टू है, लॉज ऑफ फोर्सेस, एंड द टॉपिक इज लेमिस थ्योरम। सो व्हाट इज लेमिस थ्योरम? द स्टेटमेंट इज इफ थ्री फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। द मीनिंग इज कि जेकर तीन फोर्सेस किसी बॉडी ते लग रही ने ते वो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम दी कंडीशंस जड़िया ने वह क्रिएट कर रही ने, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही है, तो हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल होएगी बाकी दो फोर्सेस दे विच जिन्ना एंगल है साइन ऑफ ओना उसते। जिवें कि सब स्लाइड दे विच जिहड़ा फोर्स डायग्राम शो किया हुआ है, तीन फोर्सेस ने ए बी ते सी, ये किसी एक पॉइंट ते लग रही ने, ते इना तिना दे विच जिहड़ा एंगल है वह है अल्फा बीटा ते गामा दा। नाउ अकॉर्डिंग टू द लेमिस थ्योरम जिहड़ी हर एक फोर्स है जे वह प्रोपोर्शनल, जेकर इक्विलिब्रियम दी कंडीशनस नू सैटिस्फाई करदियां ने तां हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल होएगी बाकी दोनों फोर्सेस दे विच जिन्ना एंगल है साइन उसते। ठीक है जी, जिवें कि आप ए फोर्स की गल करते हैं, ए फोर्स प्रोपोर्शनल होएगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द बी एंड सी, यानी कि आप कह सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। उसी तरह ही बी फोर्स प्रोपोर्शनल होएगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड सी, यानी कि बी प्रोपोर्शनल है साइन बीटा दे। उसी तरह ही सी फोर्स प्रोपोर्शनल होएगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो सी इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। सो आप लेमिस थ्योरम दी स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली ये कह सकते हैं कि ए अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ लेमिस थ्योरम, एप्लीकेशंस जड़िया ने कि आप लेमिस थ्योरम नू कित्थे यूज करते हैं, कित्थे कित्थे इस दी यूजेज हो सकती ने। सो बेसिकली जड़ी लेमिस थ्योरम है स्टूडेंट्स, ये बीम्स दी प्रॉब्लम्स, स्प्रिंग दी प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करन वास्ते यूज की जाती है, या आप साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है उदिया लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, असी लेमिस थ्योरम नू यूज कर सकते हैं। या जड़े लेमिस थ्योरम है एक एज ए टूल यूज़ किया जाता है अननोन्स नू फाइंड करन वास्ते, इक्विलिब्रियम दियां जिहड़ियां रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उत्थे। ठीक है, सो जिहड़ी लेमिस थ्योरम है उसकी जिहड़ी मोस्ट एप्लीकेबिलिटी है वो स्ट्रक्चरल मकैनिक्स दे विच है। नाउ द लिमिटेशंस पार्ट, कि इस दियां डिसएडवांटेजेस की होणगियां। सब तो पहला तो ये एप्लीकेबल है सिर्फ जिथे थ्री फोर्सेस इनवॉल्व हैं, जेकर साड़ा फोर्स सिस्टम है उस दे विच तीन तो वध फोर्सेस इनवॉल्व होण तां असीं उत्ते लेमिस थ्योरम नहीं यूज़ कर सकते। ते दूजी लिमिटेशन ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली कोप्लेनर, कॉनकूरेंट एंड नॉन कोलीनियर फोर्सेस, बट जेकर साड़े फोर्स सिस्टम दे विच नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होण ते नॉन कॉनकूरेंट फोर्सेस होण ते कोलीनियर फोर्सेस एग्जिस्ट कर दिया होन ता असी लेमिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। नाउ द पार्ट ऑफ प्रूफ, हुन इस स्लाइड दे विच मैं तुहानू इस नू इसकी जिहड़ी नोटेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वह कितना आया उस बारे दसांगी। जिहड़ियां आपां तीन फोर्सेस पहले एज्यूम कीतियां सी, एनी थ्री फोर्सेस कोई भी लै लो ए बी ते सी, उन्हां तिन्हां दे विच जिहड़ा एंगल है अल्फा बीटा गामा वो मैं इत्थे फर्स्ट पिक्चर दे विच फर्स्ट डायग्राम च ड्रॉ कर लिया। हुण असीं इस फोर्स डायग्राम तो आप वैक्टर डायग्राम बनावांगे। वैक्टर डायग्राम किवें बनती है, जिहड़ी भी फोर्स है उस फोर्स के सामने उसका पैरल लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया। सपोज ए दा मैं वैक्टर ड्रॉ कर लिया, उस तो बाद तुसी सी दे पैरल सी दा वैक्टर ड्रॉ करो, दैन बी दे पैरल बी दा वैक्टर ड्रॉ करो, तो इस तरह तुहाडे कोल एक क्लोज्ड पॉलीगन बन गया, क्लोज ट्राइंगल बन गई है। हुण की करांगे आपां, जिन्ने एंगल्स दिते हुए सी अल्फा बीटा ते गामा वो असी इत्थे अप्लाई कर देने हैं जिहड़ी असी वैक्टर डायग्राम बनाई है। ठीक है जी, जिवें कि ए ते सी दे विच एंगल है बीटा, तो हुण इस ट्राइंगल दे विच ए ते सी दे विच असी वो बीटा एंगल नूं
शो कर देना है। उसी तरह ए ते बी दे विच एंगल है गामा, तां इत्थे ट्राइंगल दे विच ए ते बी दे विच असीं उस गामा नूं शो कर दित्ता। उसी तरह ही बी ते सी दे विच एंगल है अल्फा, ते ट्राइंगल दे विच असीं बी ते सी दे विच एंगल अल्फा शो कर दिता। हुण तुसीं देखो स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल दे आउटसाइड एंगल्स जिहड़े ने उसी अप्लाई करते ने। हुण असीं की करना है, इस ट्राइंगल दे इंटीरियर एंगल्स नूं कंप्लीट करना है। ठीक है जी। नाओ जिवें आपां गल करिए ए ते बी दे पार्ट दी, हाफ आउटसाइड एंगल इज़ गामा, तां इनसाइड एंगल की होएगा 180 माइनस गामा। क्यों होएगा? बिकॉज ये सानू रूल पता है भी एक लाइन के उत्ते जिहड़े सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए पर्टिकुलर लाइन विल बी इक्वल टू 180 के बराबर होना चाहिए। तो फिर जेकर इस लाइन के उत्ते जेकर साढ़े को एक एंगल गामा का है तो दूजा एंगल होगा 180 माइनस गामा। उसी तरह ही इस पार्ट से देखिए, इस लाइन के उत्ते जिहड़े दो एंगल्स बन रहे ने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल अल्फा है, इंटीरियर एंगल होगा 180 माइनस अल्फा। उसी तरह ही आप तीजा एंगल फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगा 180 माइनस बीटा। हुण जदों साढ़े कोल तीनों इंटीरियर एंगल्स इस ट्राइंगल दे पूरे हो गए तां आपां साइन लॉ यूज़ करांगे। साइन लॉ मैं सैपरेटली इत्थे बॉक्स ते भी शो किया होया फॉर योर रेफरेंस। तो आपां साइन लॉ दी इक्वेशन जिहड़ी है वह अप्लाई कर दित्ती। हुण इस तों बाद की है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो आपां यह जिहड़ा है साइन लॉ ते अप्लाई कर देंगे, दैन विल गैट द सैकेंड फॉर्म ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। सो एक ही चीज़ है स्टूडेंट्स, ये है साड़ी लेमिस थ्योरम की स्टेटमेंट। नाओ मैं प्रॉब्लम से पार्ट ते आवांगी। सो पहली प्रॉब्लम जड़ी है वो है एक लैंप की प्रॉब्लम। एक लैंप है जिसका वेट जड़ा है 600 ग्राम दिता हुआ है एंड ये सीलिंग तो एक चेन दे नाल टंगिया हुआ है। फिर उस चेन नूं आपां एक कॉर्ड नाल बन के खिंचते हैं जब तक कि एंगल साढ़े को 60 डिग्री नहीं हो जाता। तो फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड एंड इन द चेन बाय लेमिस थ्योरम। ठीक है, हुण असीं इस कॉर्ड तो इस चेन दे विच टेंशन वैल्यू फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है लैमिस दे नाल। ता स्टूडेंट्स इस आपां की करांगे, सब तो पहला आपां फोर्सेस ड्रॉ कर लांगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लांगे। सो टेंशन इन द कॉर्ड इज़ P1, लेट द टेंशन इन द चेन इज़ P2 जो आपां फाइंड करनिया ने, एंड तीजी फोर्स हैगी लैंप का जिहड़ा मास दिता होया, वेट दिता होया, ये दिता होया 600 ग्राम, तो आप ग्राम नू किलोग्राम से कन्वर्ट कर लेंगे। सो 0.6 के जी। सो P1 P2 एंड 0.6 के जी, तीन फोर्सेस बन गया। हुण आप इन तिना दे एंगल्स नू कंप्लीट करांगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स फर्स्ट पिक्चर नू देखते हैं, आपां नू ये एंगल 60 डिग्री का दिता होया सी। सो दिस 60 विल बी इक्वल्स टू दिस, दिस एंगल विल बी ऑलसो 60 इंटीरियर कंजैक्टिव एंगल्स के रूल के मुताबिक। तो जेकर यह 60 डिग्री का एंगल है तो आ एंगल साढ़े को 90 का है, राइट एंगल है। सो 90 तो 60 हो गया 150। ठीक है जी। फिर ये वाला एंगल देखो, दिस एंगल इज 90, राइट एंगल है, सो ये 90 का लिखता। तो हम साढ़े को तीसरा एंगल रह गया। तो जेकर आप 360 के विचों आ दोनों एंगल्स 150 तो 90 तो जोड़ माइनस कर दिए तो साढ़े को तीसरा एंगल आ जूगा। सो 150 प्लस 90 240, 360 चो आप 240 माइनस करिए तो साढ़े को 120 आ गया। तो हुण साढ़े को तीनों फोर्सेस ते तीन एंगल कंप्लीट हो गए। हुण सोल्यूशन दे पार्ट ते चलते हैं। सो हुण इत्थे मैं तीनों फोर्सेस ते उहनां दे तीन एंगल बना लिते। नाओ वी विल अप्लाई द लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल होएगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। P1 अपॉन साइन 150, P2 अपॉन साइन 90 एंड 0.6 अपॉन साइन 120। तो ये अपन लेमिस थ्योरम यूज कर लेते। हुण इस इक्वेशन दे विच साडे कोल दो अननोनस ने P1 ते P2। हुण अपन P1 ते P2 नूं
वारो वारी इस थर्ड पार्ट के नाल इक्वेट करना तो साढ़े को आंसरस आ जाएंगे। जिमें पी वन असी 0.6 अपॉन साइन 120 नाल इक्वेट किया वी विल गैट द आंसर ऑफ पी वन। फिर असी पी टू के पार्ट न 0.6 नाल इक्वेट किया तो साढ़े को सैकेंड आंसर आ जाएगा। इस तरह साड़ी प्रॉब्लम जी है सॉल्व होगी। दैन सैकेंड प्रॉब्लम, सैकेंड प्रॉब्लम के सू दिता हो कि एक गर्ल एक टायर पर बैठी हुई है, ठीक है, तो इसका मास सू जो टोटल टायर तो गर्ल का जो मास है वो 60 kg है। डिटरमिन द टेंशन इन द रोप्स ए सी एंड बी सी, ये जड़िया रोप्स ने ए सी तो बी सी की इन टेंशन वैल्यू फाइंड करो कितनी होएगी। टेन जिहड़ी टेंशन वैल्यू आपां रोप्स विच फाइंड करनी है आपां उन्हां नूं नेम दे दांगे, टेंशन ए सी टी, टेंशन बी सी टी बी सी, ये एंगल सानूं दित्ते होए ने साडी प्रॉब्लम दे विच, ठीक है जी। दैन गर्ल ते टायर दा टुगैदर सानूं मास दित्ता होया सी 60 kg, तो आपां मास नूं पहलां वेट च कन्वर्ट करांगे। फॉर्मूला साडे कोल है डबल्यू इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, जिदी वैल्यू होंदी है 9.81। सो 60 नूं असीं 9.81 नाल मल्टीप्लाई करांगे साडे कोल डबल्यू दी वैल्यू आ जाएगी 588.6। सो असीं उह तीसरी फोर्स इत्थे शो कर दित्ती। हुण साडा सैकेंड टास्क है तीन एंगल्स नूं कंप्लीट करन दा, तां 45 ते 30 दा एंगल सानूं ऑलरेडी दित्ता होया सी क्वेश्चन दे विच, पहला तो वो एंगल्स लिख लेते। उस तो बाद सानू ए एंगल्स दिते हुए हैं, ए एंगल सानू पता है कि ये 90 degree का है, आ वाला एंगल भी 90 degree का है, तो आप इन ये जोड़ देंगे। सो 90 + 45 45 degree ये हो जाएगा 135 degree, 90 + 30 ये हो जाएगा 120। तो हम तीसरा एंगल किवें फाइंड करना स्टूडेंट्स, इन्हों दोनों जोड़ दो 135 ते 120, जो इन्हों का सम है उसनों 360 चो माइनस कर देंगे तो साढ़े को तीसरा एंगल आ गया, ठीक है। इस तरह साढ़े को तीन फोर्सिज के तीन एंगल पूरे हो गए। हुण आपां करांगे लेमिस थ्योरम यूज़, तो जो आप लेमिस थ्योरम यूज़ की लाइक दिस, आप हर एक पार्ट नू वारो वारी तीसरे पार्ट के नाल इक्वेट करांगे, क्योंकि साढ़े को दो अननोनस ने टी ए सी एंड टी बी सी। सो ये दो अननोनस जिहड़े ने अननोनस आप तीजे नाल जो इक्वेट करांगे साढ़े को इन्हां दा आंसर आ जाएगा। सो पहला टी ए सी नू थर्ड पार्ट के नाल इक्वेट किया तो साढ़े को टी ए सी का आंसर आ गया। फिर असी टी बी सी नू थर्ड पार्ट के नाल इक्वेट किया तो साढ़े को सैकेंड आंसर आ जाएगा। इस तरह साड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। थैंक यू सो मच।